वेलकम बैक माय चैनल कुमारी रीमा की रसोई में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए कुछ नया हो जाए। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं दाल बनाऊँगी, जो सिंपल दाल बनता है उसी तरह से आप लोग भी बना लें और इसे चार सीटी दिलवा लें। उसमें स्वादानुसार आप नमक हल्दी डालें और पानी डाल करके आप दाल बना लें। तो चलिए हम लोग दाल पहले बना लेते हैं, उसके बाद मैं आटे को गूँथूँगी। इधर आप देख सकते हैं मैंने कुकर में सीटी लगा लिया है और ये चार सीटी हो चुका है। इस गिलास से मैं चार गिलास पानी डाली थी, अब देख सकते हैं सीटी हो दे दिया है, थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर ले। इधर मैंने आटे दो कटोरी के लगभग लिया है, इसे आप थोड़े थोड़े पानी डाल करके इस तरह से गूँथ ले, सॉफ्ट अधिक ना गूँथे क्योंकि इसे हम दो मिनट के लिए रेस्ट पर डालेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पर रेस्ट पर कॉटन के कपड़े ढक दे और इसे दो मिनट रेस्ट हो जाए, उसके बाद में आप इसे हल्का सा गूँथ ले और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर ले, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कट किया है। और इसे फ्लावर का शेप आप दे सकते हैं और पिट्ठी का डिज़ाइन दे करके आप कई तरह के, मैं डिज़ाइन यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ, इस तरह से आप भी इसे बना ले। इतना टेस्टी यम्मी लगता है इस समर सीज़न में खाने में ये कि कुछ कहने लायक नहीं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। तो देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ भी कट कर ली है, इस तरह से आप भी कट कर छोटा छोटा राउंड बना ले और इसकी पूड़ियाँ बेल ले। जिस तरह से मैं थोड़े थोड़े सूखे सूखे आटे लगाएं और इसे बेल ले, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बेला, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाए और उसे आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा मोटा भी ना रखे और मीडियम में रखे, मीडियम साइज का रखे और इस तरह से दोनों तरफ से अंगूठे की सहायता से इसे दबाते हुए फ्लावर बना ले। इसके अंदर जब डाल जाती है तो इतनी अच्छी ये लगती है खाने में कि मैं क्या बताऊँ। इस तरह से सारे फ्लावर बना ले। मैंने दूसरी भी डिज़ाइन आप लोगों को बताई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसी तरह से दूसरी भी डिज़ाइन बना ले जिसमें आप हाथों की सहायता से इसे बना सकते हैं। छोटी छोटी सी पतली सी लंबी लोई ले ले और उसे आप बीच से दबाते हुए अंगूठे की सहायता से पतले पतले कोने जैसे निकाल ले और इसे बनाए। इतनी टेस्टी और यम्मी ये बनती है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा आटा उसके ऊपर डाल दें जिससे ये चिपके भी नहीं। इस तरह से आप सीजर की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं जो काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर इसे बनाएं। देखिए कितने अच्छे छोटे छोटे से सीजर की सहायता से भी कट जा रहा है चिपके, तो हल्का सा तेल लगा ले जिससे चिपके भंगा भी नहीं और आसानी से आपसे बन जाएगी। तो चलिए इस तरह से हम लोग सारे को बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बना लिया और सूखा आटा ऊपर से डालते रहे जिससे ये चिपकेगा नहीं और आसानी से ये बन भी जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये फ्लावर की डिज़ाइन। इस तरह से आप लोग भी बनाए। यहाँ देख सकते हैं मैंने दाल को भी ठंडा कर लिया। तो चलिए इसे सबसे पहले हम लोग फ्राई कर लेते हैं। इसमें एक गिलास और पानी आप गर्म पानी करके इसमें डाल दें जिससे दाल हल्का पतला हो जाए, जिससे ये पूरे में एब्जॉर्ब कर पाए और खाने में टेस्टी और यम्मी लगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ कुकर में ये थोड़ा सा आप घी डाल करके एक से डेढ़ चम्मच के लगभग डाले, उसे गर्म होने पे जीरा आप एक चम्मच के लगभग ऐड करें डाल दे और थोड़ा सा हींग डाल करके मिर्च सूखा मिर्च दो तीन डाल दे और इसे अच्छे से, इससे जो तड़का फ्राई में लगता है दाल तड़के में वो सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करें और इसे हल्का सा तड़कने दे। उसके बाद में आप इसमें दाल डालें और उसे अच्छे से थोड़ा सा मिला के पकाएं और जब अच्छे से ये दाल पक खोल जाए तब जा करके आप इसमें, देख रहे हैं अभी कितना गाढ़ा दाल है, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड होगा तो पतला हो जाएगा। घबराइए नहीं, पतले दाल होंगे आपको देखने में लग रहा है, थोड़े देर बाद जब इसमें पिट्ठी डाल करके आप एक सीटी दिलवाएंगे तो इस गाढ़े हो जाएंगे और इतने यम्मी लगेंगे कि मैं क्या बताऊँ। वो आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को खुद पता चलेगा कि कितना टेस्टी और यम्मी ये बनता है रेसिपी, और इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या बताऊं। आप लोग ज़रूर इसे बनाए स्वादानुसार। इसमें मैंने पहले भी नमक डाला है इसलिए थोड़ा कम ही नमक डाले और लगभग दो से ढाई चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे नमक डाला है जो इसमें परफेक्ट है इसके लिए। इस तरह से आप लोग भी बनाए, ऐसे आप चार पाँच परिवार के लिए इस तरह से जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने बताए हैं उससे आप बना सकते हैं आसानी से। इस तरह से आप थोड़े थोड़े करके एक एक करके डालें और ऊपर से सूखा जो आटा पड़ा है उसे भी इसमें डाल दें। हल्का सा आप, मैंने जो बताया था पानी, उतना पानी आप इसमें गर्म पानी डाल दें और एक सीटी से मीडियम फ्लेम पे दिलवाए, जिस तो
चलिए हम लोग भी इसे अच्छे से मिक्स करके चला ले, हल्का ही चला जिससे ये दबेगा नहीं और इसकी डिजाइन भी ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से आप ढक करके इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने एक सीटी दिलवाया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद में इसे निकाले और बड़े से बाउल में डाल करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। देख रहे हैं थोड़े भी नहीं फ्लावर की डिज़ाइन टूटी है और कितना टेस्टी और यम्मी बना है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ज़रूर आप लोग भी इस तरह से बनाएं और इसे आप चटनी के साथ सर्व करें, इतना टेस्टी और यम्मी होता है कि मैं क्या बताऊँ।